पंतनगर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए नए अधिष्ठाता एवं निदेशक। हमारी जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च सिस्टम है उसको भी उसी के अनुसार अलाइन करने की ज़रूरत है। हमको ज़रूरत है ये पहचानने की कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, आवश्यकताओं को आइडेंटिफाई करके और फिर उसके ऊपर शोध करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा शोध है का जो आउटपुट है वो तुरंत ही जो हमारे क्लाइंट हैं, चाहे वो फार्मर हो, किसान भाई हो या एक आम आदमी हो, उसके पास जा सके। तो इसके लिए हम बहुत जल्दी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ये ग्रुप बनेंगे और जो भी हमारे संकाय सदस्य हैं वो फार्मर्स के यहाँ जाएं, खेती को देखें, उनकी खेती से संबंधित क्या समस्याएं हैं उनको जाने समझें और फिर वापस अपने लैबों में आके उसके ऊपर अनुसंधान करें और हमारे किसान भाइयों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी सहायता करें। ये तो मेरी जो प्रायोरिटी है शोध को लेके है कि हमको शोध वो करना है जो आज की आवश्यकता है, ना कि वो करना है जो हम चाहते हैं। दूसरा जो मेरी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारा जो संकाय सदस्य हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनकी पिछले कुछ समय में कुछ उनके इश्यूज़ हैं, कुछ उनको लगता है कि प्रोसीजरल डिले हो रहा है। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि ये जो प्रोसीजरल डिले है इसको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कर दिया जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी केस, कोई भी फाइल, कोई भी बिल वो 24 घंटे से ज़्यादा इस निदेशालय में नहीं रहना चाहिए, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मेरी प्रायोरिटी है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं बड़ी मेहनत करके वो प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट की जवाबदेही भी उनकी होती है। जब वो फंडिंग एजेंसी के सामने खड़े होते हैं तो जवाबदेही उनकी होती है, तो उनको यहाँ से एक ऐसा सपोर्ट मिले, एक ऐसा संदेश मिले कि उनको ये लगे कि ये निदेशालय एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, ये एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है और उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमारी तरफ से हो सकेगी वो हम करेंगे और हम हर वो चीज़ करेंगे जिससे हमारे वैज्ञानिकों का गर्व जो है वो बढ़े और उनको किसी तरह की कोई समस्या ना। कि हम एक ऐसा ऐप तैयार करें जिससे किसान हमारे डायरेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाए। हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे, उसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन होगी और किसान अपना मोबाइल लेके जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको उसके कैमरे से दिखाएगा और वो हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा 100 times मैग्नीफाई होकर दिखाई देगा। वीक में 2 बार हमारे जो वस्तु विशेषज्ञ हैं लगभग हर फील्ड के 2 बार बैठेंगे वो, तो फार्मर को टाइम पता होगा, वो नंबर पता होगा। उस टाइम फार्मर उस प्रॉब्लम में अपने खेत में, अगर उससे गाय भैंस से संबंधित प्रॉब्लम है वहाँ कैमरे को लेके जाएगा, हमारे वैज्ञानिक यहाँ डायरेक्ट देखेंगे और उसका त्वरित उसी टाइम पर उसको समाधान दिया जाएगा।